500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को रामलला अपने विशाल मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए करोड़ों सनातनियों की बात करें तो लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कब भगवान रामलला का यह विशाल मंदिर बनेगा और कब भगवान उसमें विराजमान होंगे। और जब यह बात पूरी होने जा रही है, मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को जब रामलला विराजमान होंगे तो करोड़ों सनातनियों के मन में, उनके दिल में एक बड़ा भाव है कि कब जल्दी से जल्दी भगवान राम के दर्शन हम भी कर सकें। दर्शन करने के लिए जहां लोग तमाम प्रकार के यातायात साधनों से पहुंच रहे हैं, अयोध्या जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो वाशिम महाराष्ट्र के जिले से निकले हैं और आप देख सकते हैं साइकिल से ये यात्रा इनकी चालू हुई है। तो बातचीत करते हैं उनसे, कब आपने यात्रा चालू की थी और अब जबलपुर आप पहुंच चुके हैं, क्या लक्ष्य है कब तक पहुंचने का, कब से यात्रा चालू की थी आपने? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हृदय से जय श्री राम। दोस्तों, हमने ये जो साइकिल यात्रा स्टार्ट की है तो ये 1 तारीख से शुरू की है और लक्ष्य है हमारा 22 तारीख के जो महा उत्सव वहाँ अयोध्या में हो रहा है उस उत्सव को अनुभव करने के लिए उस उत्सव से पहले पहुँचने का हमारा लक्ष्य है। क्या नाम है आपका और कब, ये पहले से आपको मन में एक विचार था कि मंदिर जब बनेगा तो जाना, ये अचानक आपका प्लान बना अयोध्या जाने का? जी, बात ऐसी है कि मंदिर बना ये तो बहुत हमारे लिए भाग्यशाली बात है क्योंकि 500 साल के बाद ये सौभाग्य हमें मिला कि हम रामलला के दर्शन कर सके। ये तो हमने इससे पहले भी, जब भी राम मंदिर का निर्णय हुआ राम मंदिर के पक्ष में, तब भी हमने साइकिल यात्रा करके राम मंदिर पहुँचे थे जब रामलला तंबू में थे। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हम जब राम जी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम जी की भव्य मंदिर में, तो हम उस उत्सव का साक्षी बनने के हिसाब से वहाँ पहुँचने का हमारा संकल्प है। कितने किलोमीटर की यात्रा है जो आप वाशिम से निकले हैं, महाराष्ट्र अयोध्या जाना है आपको, बड़ा लंबा सफ़र है, कितने किलोमीटर की यात्रा है और कैसे अब ये यात्रा धीरे धीरे पूरी आगे बढ़ रहे हैं आप? तो ये तो हमारी जहाँ से हमने स्टार्ट की है, वत्सगुलम नगरी है, वाशिम को कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, तो वहाँ से अयोध्या धाम का जो अंतर है तो वो 1200 किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं। तो अब तक आज का हमारी यात्रा का 9वां दिन है और इस 9वें दिन तक हमने लगभग 600 से ऊपर का टारगेट पूरा कर लिया है। और इस यात्रा में हमें मानो पूरे जो राम भक्त मिलते जा रहे हैं, सभी का उत्साह, सभी का राम के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा देखी जा रही है। तो मानो जन जन के मन मन में राम देखने का हमें सौभाग्य मिला, इसके लिए हम उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमें ये इस यात्रा में सहयोग भी किया। क्या नाम है आपका और प्रॉपर आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मेरा नाम राजू डांगे है और हम वाशिम में ही रहते हैं, पास ही में साई नगरी है शेलू बाजार में, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो ये राजू भाई हैं, राम भक्त हैं, लगातार साइकिल से यात्रा करके अयोध्या की ओर जा रहे हैं, उनके सहयोगी भी उनसे ही बातचीत करते हैं। रामलला विराजमान हो रहे हैं और आप साइकिल से यात्रा के लिए करके अयोध्या में दर्शन के लिए जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और कैसे यात्रा पूरी होगी? सबसे पहले मैं भी कहूँगा जय श्री राम हृदय से सभी को। और ये बहुत ही आनंद का पल है क्योंकि राम जी हम पूरे भारत के लिए आदर्श है, आइडल है, क्योंकि हमारी जो संस्कृति का निर्माण है वही से है। यदि हम देखें भैया भाई के प्रति प्रेम, माँ के प्रति प्रेम, एक पुरुष किस तरह का होना चाहिए, एक इंसान, एक पूर्ण इंसान किस तरह का होना चाहिए, तो राम जी के पूरे चरित्र से हमें सीखने को मिलता है। तो ये संस्कृति का आधार है, कोई कुछ भी कर, इस तरह से हमें देखना चाहिए इस राम जी को, क्योंकि इस संस्कृति का आधार है। यदि ऐसे आइडल नहीं रहेंगे तो जो सामान्य लोग हैं उनके सामने कोई आदर्श नहीं रहा तो जीवन किस तरह से जिएंगे। तो एक चरित्र होना चाहिए, राम जी वो चरित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे लगता है। इसलिए ये आनंद का पल हम सब के लिए और एक ऐसा धाम वहाँ बनने जा रहा है जो इस चेतना को जगाएगा, भारत की इस ऊर्जा को फिर से जगाएगा, जो हम आज हम भारत में दिखते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने माता पिता को उस तरह से प्रेम नहीं दे रहे, भाई भाई के प्रति प्रेम नहीं है। तो एक आइडल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी था, एक मंदिर जहाँ लोग श्रद्धा से जाए और उनको सीख मिले, वो आदर्श मिले, गुणों को वो अपने अंदर धारण करे। हम भी उसी राह पे चलने की कोशिश करते हैं कि मर्यादा के साथ जीवन किस तरह से आदर्श हो, इस तरह से जीने की कोशिश कर रहे हैं।
रामचरितमानस की जो भी बातें हैं उसके ऊपर भी हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं, मेरा दोस्त राजू और मेरा नाम आशीष जामकर है, हम वाशिम से है। तो इसी आदर्श को लेकर हम राम जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसको, और हम चाहते हैं कि उस क्षण का हम साक्षी बने। आपके सहयोगी बता रहे थे कि जब राम मंदिर का निर्माण का फैसला आया था तब भी साइकिल से यात्रा की थी, और जब मंदिर अब पूर्णता की ओर है तब भी आप अब अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत देशवासियों को? तो यही मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम जितना हो सके, यदि संभव हो सबको, तो उस क्षण का साक्षी होना चाहिए। हाँ, सभी को वहाँ प्रवेश मिले, पता नहीं इतनी भीड़ होगी, पर उस भूमि पे भी हम खड़े रहे तो मुझे लगता है कि वही धन्य है, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम मोमेंट है, कि एक हमारे जीवन का अविस्मरणीय क्षण है। और मैं यही हम सबको कहूँगा कि हमें जीवन में राम को धारण करना है। आज राम तो आए हैं अयोध्या, पर अब हम सब भारतवासी, यूथ की विशेषता जो युवा देश है, कि राम जी के आदर्श को हमारे अपने जीवन में धारण करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने देश को महान कह सकते हैं। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर, ये महाराष्ट्र के वाशिम जिले के राजू और आशीष राम भक्त हैं, जो कि 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके अब अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और एक संकल्प लिए कि जब इतने 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विशाल मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो उनके दर्शन कर मैं भी इस ऐतिहासिक पल के हम ये दोनों साक्षी बनना चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक बड़ा कठिन परिश्रम करके ये अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धर्म गौतम, IBC24, जबलपुर।